हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। मैं आपका भाई जस्सी और आपके अपने चैनल जस्सी संध ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी यार दोस्त और मेरे सारे व्यूवर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपके प्यार और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और मैं दुआ करूँगा उस ऊपर वाले से कि आपकी जो भी मन की इच्छाएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो उसको पूरा करें और आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, जो आप चाहते हैं वो आप पाएं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, एक बात यह है कि ठंड बहुत है, आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। और हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर दोस्तों 2 डिग्री 3 डिग्री तक आया हुआ है और कड़ाके वाली सर्दी पड़ रही है और हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं दोस्तों, और शूट्स वगैरह करने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि धुंध बहुत होती है रात को दोस्तों। शूट कैसे हो, आसपास का कुछ भी नहीं दिख रहा दोस्तों, जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो है। तो आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि अपना, अपनी फैमिली का, हमारी फैमिली का, सबका ध्यान रखें इस मौसम में जहाँ इतनी ठंड पड़ रही है, तो इसमें अपना ख्याल जरूर रखें। और साथ में दोस्तों एक छोटी सी अपडेट और है, वो ये है कि दोस्तों एक हमने नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है वहाँ क्या था ऑफिशियल। उसको लॉन्च करने का जो रीज़न है दोस्तों, वो आपको उसमें एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक कर लेना। क्योंकि दोस्त फरमाइश करते रहते हैं कि हफ्ते में 2 एपिसोड दें, 3 एपिसोड दें, तो आपका हुक्म है वो शर्माते हैं जी। तो उसके लिए वो चैनल बनाया है, उस पर एपिसोड्स आपको अलग से देखने में मिलेंगे। ये क्या था वे तो आ रहा है, वो आ ही रहा है। और साथ में दोस्तों एक न्यूज़ चैनल है जो हमारे भाइयों का है, द लालटे नाम से, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है। जो उसका लिंक है दोस्तों, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाके चेक करना। बहुत अच्छा चैनल है, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ का वहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है, तो उसको भी प्लीज़ चेक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ में दोस्तों एक छोटी सी बात आपको बतानी थी कि मेरे साथ एक छोटी सी अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, या आप बोल सकते हैं एक छोटी सी मिसहैपनिंग हुई है। एक दो दिन पहले दोस्तों, परसों की बात है, मैं बाइक कार आ रहा था रात को और धुंध काफ़ी थी, आपको पता है मौसम कैसा हो रखा है। तो रास्ते में दोस्तों गाड़ी बंद होगी मेरी अचानक से, मैंने कहा चलो अभी नॉर्मल प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया और उधर से बाई चांस पापा का भी फ़ोन आ गया था, अभी क्या हुआ, घर पे पहुँचे नहीं। तो मैंने कहा अभी ऐसे करके बात है, गाड़ी बंद हो गई है, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इधर से फ्रेंड भी आ गया, उधर से मेरे पापा भी आ गए, ज़्यादा दूर नहीं था, 15-20 मिनट का रास्ता ही था। तो जब वो आए दोस्तों, उससे पहले मैं सेल्फ से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेल्फ लगा रहा हूँ गाड़ी का, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। पापा आए, पापा ने सेल्फ किया, स्टार्ट हो गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही है। उन्होंने एक बारी में करी और हो गई, और मेरे दोस्त ने भी स्टार्ट की होगी। अब जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, सेल्फ लगा रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो ऐसा चलता रहा सीन कुछ वहाँ पे। फिर मैंने 2-3 बार फिर ट्राई किया, नहीं हुई। तो पापा ने और मेरे फ्रेंड ने स्टार्ट की, फिर हो गई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हो गया ऐसा। ठीक है, रोड भी ऐसी है दोस्तों कि वहाँ पर साधन जाते आते जाते नहीं है, और उस रोड के ऊपर 1-2 ग्रेवयार्ड भी हैं, शमशान घाट अपने बोल देते हैं। तो मैं खुद हैरान कि मैंने, चलो इस रास्ते से दोस्तों एज़ यूजल मैं आता हूँ रात के टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो घर पे मैं पहुँचा, 10:30-11 का टाइम होगा, घर पे आकर मैंने सेल्फ लगाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद दोस्तों रात को खाना वगैरह खाकर सोने गया हूँ मैं, आज रात को अचानक से जाग खुली, मैं मेरे रूम में था अकेला दोस्तों। कोई 2:30-3 बजे मैं वॉशरूम जाने के लिए उठाऊँगा, तो वॉशरूम आकर जाकर फिर सो गया। तो दोस्तों किसी की आवाज़ आई गेट खटखटाने की, जो मेरा रूम का बाहर वाला बालकनी वाले साइड का जो गेट होता है दोस्तों, वो मैंने देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। तो मैंने सोचा चलो कोई जानवर वगैरह होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। इसके बाद अभी आपको ये बात बता दूँ, अपना रूम दिखाता हूँ जहाँ पर मैं सो रहा था। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तो बस मैं हैरान हो गया। फिर वही बात माइंड में बात चल रही थी भी, गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो वही बात हुई, ऐसे लगा कि कोई गेट खटखटा रहा है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो फिर मैं
सोने की कोशिश की, नींद नहीं आई। फिर जैसे तैसे करते सुबह 5 साढ़े 5 बज गए, फिर वहाँ तब जाकर नींद आई मेरे को। तो ये बड़ी अजीब सी घटना है दोस्तों, बाकी भगवान से बड़ा कुछ नहीं है। मैंने भगवान को याद किया, पाठ किया, तो उसके बाद तो नींद आई गई। तो आपको रूम दिखाता हूँ मैं, जहाँ पर मेरे साथ ये हैपनिंग हुई है। और रास्ते में तो जो हुई है वो तो हुई है, चलो ठीक है ठीक है, ऐसी बात नहीं है। पर मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये बात हुई है कि ये क्या सीन है, मेरे को समझ खुद नहीं आ रहा क्या हो गया ना। ऐसी कभी प्रॉब्लम आई नहीं है। और रात को 3 3 बजे 4 4 बजे हम शूट वगैरह करके आते रहते हैं दोस्तों। तो बड़ी अजीब सी घटना है ये, बाकी मैं तो एज ए नॉर्मल ले रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं सोचा चलो आपके साथ शेयर करूँ कि मेरे साथ ये घटना हुई है, और अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ ये बीती है तो कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको रूम दिखाता हूँ, बाकी बात आगे करते हैं। यहाँ पर मैं सोया हुआ था, ये मेरा रूम है दोस्तों जो आपको दिख रहा है। तो उसके बाद 2:30 3 बजे मैं उठा हूँ वॉशरूम जाने के लिए। तो उसके बाद वॉशरूम जब जाया मैं, आकर फिर सोया। सबसे पहले दोस्तों ये दरवाज़ा है बाहर वाली साइड, तो यहाँ से आवाज़ आई जैसे कोई इसको खटखटा रहा होता है। तो मैंने कहा चलो नॉर्मल बात होगी, तो मेरी हल्की सी जाग खुल गई। वैसे मैं गहरी नींद में नहीं था, तो मैं उठा। और उसके बाद मैंने कहा चलो कोई जानवर वगैरह या बिल्ली वगैरह होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बाद मैं फिर सो गया। तो उसके बाद फिर दोस्तों वही सेम आवाज़ आई, तो मैं हैरान हो गया अभी ये क्या हो रहा है। यूजुअल दोस्तों कि 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं, तो ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। तो उसके बाद नींद नहीं आई सारी रात, तो सोने की कोशिश भी की नहीं आई। फिर 5:30 का टाइम होगा आसपास, 5:15 साढ़े 5 का, तो फिर जाकर मेरे को थोड़ी नींद आई। फिर मैं सुबह उठा, तो बड़ी अजीब सी घटना हुई दोस्तों। पहले गाड़ी ख़राब हो गई, फिर घर पे आया तो ये जो एक्टिविटी है मेरे साथ हैपन हुई मेरे रूम में। और दोस्तों बाय चांस मेरा बेटा भी घर पे नहीं है, मेरी वाइफ भी घर पे नहीं है। जैसे आपको पता है विंटर की वेकेशंस चल रही हैं, तो वो अपने वहाँ नानू के पास गया हुआ है मेरे फादर इन लॉ के घर। तो बस यही आपको बताना था। और रास्ते में भी यही मेरे साथ सीन हुआ कि गाड़ी ख़राब हो गई, स्टार्ट नहीं हुई। फिर ज़्यादा दूर नहीं था, मैं ऑन रोड ही था, मतलब जो हाईवे रोड है हमारा यहाँ पर। फिर मैंने मेरे दोस्त को बुलाया, फिर पापा का फ़ोन आ गया बाय चांस कि क्या हुआ, लेट हो गया, घर पे नहीं आया बेटा। तो उनका फ़ोन आया तो वो भी वहाँ पे पहुँच गए 15 20 मिनट बाद। तो वो आए हैं तो उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की है, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मेरे से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, मैं सेल्फ लगा रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, उन्होंने की और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो जिस रास्ते से मैं आ रहा था दोस्तों, उस रास्ते पे एक शमशान घाट है, ग्रेवयार्ड है, तो दोस्तों उसको मैंने क्रॉस किया था। मैं तो एज यूजुअल आता जाता रहता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक तो आपको पता है अभी ठंड कितनी है, और धुंध वगैरह कोहरा वगैरह बहुत हो रखा है, तो धुंध बहुत थी। और मैं खुद हैरान कि इतनी धुंध है, तो धीरे धीरे गाड़ी लेके आ रहा था। पर रास्ते में गाड़ी में दिक्कत आ गई, फिर पापा स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट हो रही है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो नहीं हो रही, ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है। फिर घर पे आया, घर पे आकर मैंने गाड़ी खुद से स्टार्ट की, फिर स्टार्ट हो गई। उसके बाद रात को थोड़ा सा मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो मैंने आपको बताया, मैंने कहा चलो शेयर करते हैं आपसे, बड़ा अजीब एक्सपीरियंस है। लोकेशंस पे तो जाते रहते हैं कि खुद के साथ जो बीता है फर्स्ट टाइम इतने टाइम के बाद। तो चलिए कुछ भी होगा या मन का वहम भी हो सकता है, तो बाद में ऐसा होता है ना कि मेरा बेटा भी एक छोटा ना, तो यहाँ पे हम सोते हैं, तो ये होता भी हाँ यार कल को कोई दिक्कत ऐसी ना आए। बाकी भगवान से बड़ा कुछ नहीं है, और उसका आशीर्वाद है, आपकी दुआएं साथ में हैं। तो मैं खुद हैरान हुई, चलिए कोई बात नहीं, खैर छोड़िए, एक छोटी सी घटना है जो मेरे साथ हुई है मैंने आपको बता दी। और
बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे प्यार करते रहें। और एक बार फिर आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी न्यू ईयर। जो आपके सपने हैं हम दुआ करेंगे उस भगवान से आपके पूरे करें, और नए साल में और अच्छे अच्छे शोज लेकर आते रहेंगे। चलिए, जो जाते जाते साल में घटना हुई है मेरे साथ, तो नए साल में ना हो बढ़िया है। वैसे आपको पता है कि डरने वाली बात नहीं, पर फिर भी मन में वहम रहता है कि ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत तो फील होता रहता है, पर इतना नहीं हुआ कि हम कह दें कि हाँ भाई ये बात होगी। तो ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, दुआओं में याद रखना, और लव यू ऑल। और ठंड बहुत है, अपना ध्यान रखें। तो आपसे इजाज़त लेता हूँ, लव यू ऑल।